स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू लनविमन आज हम करने वाले हैं यूनिट नाइन के अंदर राजस्थान के इतिहास में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो वैसे तो हम आरबीएससी की बुक में इनको पढ़ चुके हैं कई बार जो है वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा जैसे केसरी सिंह हैं कुशाल सिंह चंपावत हैं प्रताप सिंह बारट हैं तो फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको ऐसा प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमने ये वाला टॉपिक नहीं किया है ठीक है तो यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करिएगा क्योंकि हर व्यक्तित्व के बारे में मैं इनके दो दो लाइन जो है वो आपको बताऊंगी सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कुशाल सिंह चंपावत की तो जो अठारह की क्रांति हुई थी राजस्थान में तो आवा में इन्होंने सबसे ज्यादा अहम रोल निभाया था बिथौड़ा नामक स्थान पर इनका मुकाबला भी हुआ था और कर्नल होम्स के नेतृत्व में इन्होंने क्या की थी सेना भी भेजी थी ठीक है है तो ये लाइन इनके बारे में चलिए नेक्स्ट जो है वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन है देखते हैं केसरी सिंह बारट अब इनके नाम से भी आप परिचित हैं जब जो राजा फतेह सिंह थे जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा था चेतावनी राज लिखा था ठीक है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से किसे रोका था तो उस समय रोका था उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो केसरी सिंह बारड के संबंध में है नेक्स्ट जो है वो है जोरावर सिंह बारहट तो इनके संबंध में एक ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद करनी है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम बम्ब फेंकने की जो घटना है वो इनसे संबंधित है जोरावर सिंह बारहट से नेक्स्ट है देखिए ऐतिहासिक व्यक्तित्व में प्रताप सिंह बारहट ठीक है तो प्रताप सिंह बारहट जो है इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है जोरावर सिंह बारहट जो कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की घटना से संबंधित है नेक्स्ट देखिए राव गोपाल सिंह खरवा अब ये कौन है तो इनके बारे में यदि नहीं भी पढ़ा है तो देखिए जो राज बिहारी बोस थे उनके साथ इन्होंने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी ठीक है लगभग अठारह से 1938 सौ ईस्वी के बीच में नेक्स्ट है जय नारायण व्यास अब जय नारायण व्यास के बारे में आपको याद रखना है कि मारवाड़ हित सभा की स्थापना इन्होंने की थी और इनके द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया गया था आगी बाण पीप अखंड भारत ठीक है ये तीनों आपको याद रखने हैं नेक्स्ट चलिए जमुना लाल बजाज तो देखिए जो भी हम व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं जो भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हम देख रहे हैं तो ये सभी हम बुक्स में पढ़ भी चुके हैं ठीक है तो यहाँ आपको और भी आसानी हो जाती है जमुना लाल बजाज जो है वह वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है वो करते हैं ठीक है इसके अलावा इनके बारे में यदि कहा जाए तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में भी इनके रोल है और गांधी जी जब थे तो उनकी जो सेवा संघ थी वहां पर भी इन्होंने बहुत काम किया ठीक है तो गांधी जी के साथ सबसे ज्यादा सहयोगी जमुना बजाज जो है वो देखे जाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है सागरमल गोपा अब इनके बारे में क्या विशेष बात है जो आपको याद रखनी है एक तो याद रखनी है कि इन्होंने सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की थी ठीक है तो इनको पुस्तकों में बहुत रुचि थी तो इन्होंने सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी अब इनकी अगर पुस्तकें पूछी जाए तो आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडाराज ये इनकी क्या है बुक है आजादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा तो ये इनकी क्या है बुक्स हैं तो सागरमल गोपा जो हैं इनके बारे में भी इतना अधिक नहीं पूछा जाएगा लेकिन जमुना लाल बजाज के बारे में आप बिल्कुल याद रखना है कि गांधी जी के साथ वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करने में जमुनालाल बजाज का अहम रोल था ठीक है इसके अलावा हरिजन जो विद्यालय है वो भी इन्होंने बहुत ज्यादा स्थापित किए सीकर में ठीक है स्पेशली सीकर में नेक्स्ट हीरा लाल शास्त्री अब ये तो हमें पता है हीरा शास्त्री कौन थे तो देखिए शिक्षा कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की हीरा शास्त्री ने की ठीक है याद रखना है हीरा शास्त्री ने शिक्षा कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की और इनके बारे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो आपको बतानी है मुझे कमेंट में क्योंकि हमने अभी हीरा शास्त्री के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी ठीक है नेक्स्ट देखिए गोकुल भाई भट्ट गोकुल भाई भट्ट जो हैं वो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना के जनक जो हैं वो माने जाते हैं अब आप कहेंगे कि हमने अभी जो प्रजामंडल पढ़े थे तो वहां पर हमने शिरोही प्रजामंडल के देखे थे वृद्धि संकट त्रिवेदी अब देखिए शिरोही प्रजामंडल के बारे में बहुत अपवाद है जब भी आप कोई भी बुक उठाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग ये देखने को मिलेगा स्पेशली शिरोही प्रजामंडल के बारे में ठीक है अब आरबीएससी की बुक में वृद्धिशंकर त्रिवेदी है तो मैंने आपको वृद्धि संकर त्रिवेदी ही बताया है ठीक है लेकिन यदि आपके ऑप्शन में नहीं आता है शिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई वृद्धिशंकर त्रिवेदी नहीं आता है तो आप गोकुल भाई भट्ट जो है वो करेंगे ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है नेक्स्ट है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हैं। नेक्स्ट हरिभाऊ उपाध्याय देखिए हरी उपाध्याय के बारे में आपको याद रखना है कि अजमेर के ये मुख्यमंत्री बने थे उन्नीस ईस्वी में ठीक है अजमेर के मुख्यमंत्री बने थे उन्नीस ईस्वी में इसके अलावा भी इन्होंने कई कार्य किए जैसे गांधी आश्रम गांधी सेवा संघ की स्थापना लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि हरिभा उपाध्याय जो है वो उन्नीस में अजमेर के मुख्यमंत्री बने थे नेक्स्ट देखते हैं हम गोकुल लाल अशावा ठीक है नेक्स्ट कौन से हैं गोकुल लाल अशावा तो इनके बारे में क्या खास बात है इनके बारे में ये खास बात है कि ये जब संयुक्त राजस्थान बना था तो उसके क्या थे प्रधानमंत्री बने थे ठीक है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इनके बारे में जो आपको याद रखनी है भोगीलाल पांड्या भोगीलाल पांड्या के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन जो है वो इनके द्वारा किया गया शेवा मंदिर की स्थापना इनके द्वारा की गई ठीक है इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण 1975 में दिया गया था ठीक है 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भोगीलाल पांड्या को अगले आते हैं हमारे विजय सिंह पथिक अब इनको तो कौन नहीं जानता है इनको तो सभी जानते हैं इनके बारे में क्या स्पेशल है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया इन्होंने बिल्कुल याद रखना है और भी याद रखना है इनके बारे में कि इनकी जो पत्रकार थे इनकी पत्रकारिता जो थी वो कौन कौन सी थी दो थी राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान ठीक है कौन सी राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान इनका जन्म जो है वह भी याद रखिएगा अठारह से उन्नीस ईस्वी तक ठीक है चलिए इनको तो आपको नोट करना ही है विजय सिंह पथिक जो है वो उन्नीस से उन्नीस इनका जन्म मृत्यु ठीक है बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता ऊपर मालपंच बोर्ड का गठन किया इन्होंने 1917 में इनकी जो पत्रकार थे पत्रकारिता राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान चलिए नेक्स्ट जो है बलवंत सिंह मेहता बलवंत सिंह मेहता के बारे में आपको याद रखना है कि प्रताप सभा की स्थापना जो है वो इन्होंने 1915 ईस्वी में की थी ठीक है चलिए नेक्स्ट है कालीबाई अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने कालीबाई के बारे में देखा था और इनके बारे में जो क्या अहम लाइनें थी वो भी आपको याद होनी चाहिए और किसी बुक से आप पढ़ते तो वहां आपको शायद इनके बारे में नहीं मिलता हमने आरबीएससी की बुक में ये किया था कि जो रास्तापाल कांड था उससे संबंधित है कालीबाई और कालीबाई द्वारा हराती से सेंगा भाई के कमर से बंधी रस्सी जो है वो काटी गई थी ठीक है नाम पूछ सकते हैं किसकी रस्सी काटी गई थी सहंगा भाई की ठीक है इसके अलावा डूंगरपुर महारावल ने रास्ता पाल की पाठशाला को बंद करने का जब आदेश दिया था तब तो वहां पर सबसे ज्यादा आगे कौन आई थी कालीबाई नेक्स्ट है जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जो है वो जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी उन्नीस में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था तो यहाँ पर याद आपको ये रखना है कि ऐसी कौन से राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में कौन सी महिला है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उन्नीस में तो आप लिखेंगे जानकी देवी बजाज चलिए नेक्स्ट है रतन शास्त्री रतन शास्त्री ये भी एक महिला थी और इन्होंने जयपुर प्रजामंडल जो है जब इसमें सत्याग्रह हुआ था तो वहां पर भाग लिया था ठीक है तो ये स्त्री थी पुरुष नहीं रतन शास्त्री जो है वो एक महिला थी जो उन्नीस में जब जयपुर प्रजा मंडल जब इसकी स्थापना के बारे में क्या सत्याग्रह हुआ था तो उसमें इन्होंने क्या किया था पार्टिसिपेट किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट है नारायणी देवी वर्मा अब ये कौन है ये बिजोलिया में जो समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था ठीक है और इन्होंने महिलाओं के लिए महिला आश्रम जो है उनकी स्थापना भी की और इनके बारे में एक लाइन आपको याद रखनी है कि 1970 सौ ईस्वी में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी कौन नारायणी देवी वर्मा तो सबसे ज्यादा दो लाइनें याद रखनी है बिजोलिया में इन्होंने बहुत शिक्षा प्रसार किया महिला आश्रम की स्थापना की 1970 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हुई अर्जुन लाल सेठी जैन शिक्षा प्रचारक समिति जो है वो इन्होंने बनाई थी अर्जुन लाल सेठी इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है शुद्र मुक्ति स्त्री मुक्ति पार्श्व यज्ञ और महेंद्र कुमार ठीक है शुद्र मुक्ति स्त्री मुक्ति पार्श्व यज्ञ और महेंद्र कुमार उसके बाद है चलिए इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं अभी नेक्स्ट देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा अब के लाल वर्मा जो है कितना इम्पोर्टेंट नाम है ये आपको पता है इनके बारे में क्या है इन्होंने एक गीत लिखा था पंछीड़ा गीत याद आया होगा आपको गीत लिखा था पंचीड़ा गीत और इसके अलावा 1930 ईस्वी में जब पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था तो वहां पर भी इन्होंने अपना अहम रोल निभाया था तो ये चीज आपको याद रखनी है और इनकी एक बुक इनकी एक पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन ठीक है माणिकेलाल वर्मा द्वारा गीत गाया गया गीत पुस्तक मेवाड़ की वर्तमान शासन चलिए नेक्स्ट मोहनोत अब मोहनोत नैन्सी के बारे में क्या है कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे ये दीवान थे याद हो गया आपको मोहनोत नैन्सी जो है वो किसके दरबारी कवि थे जसवंत सिंह प्रथम के ठीक है और वहां के दीवान भी थे इनकी दो साहित्यिक जो है वो आपको याद रखने हैं कौन कौन से नैनसी रिख्यात और मारवाड़ विगत ठीक है दो याद रखने हैं नैनसी रिख्यात और मारवाड़ विगत ठीक है चलिए कर्नल जेम्स स्टॉड कर्नल जेम्स स्टॉड के बारे में कर्नल जेम्स स्टॉड के बारे में क्या खास बात है इनके बारे में ये खास बात है कि एक तो इनकी आपको बुक याद रखनी है एनॉल्स एंड एंटीक्स ऑफ राजस्थान ठीक है याद रखेंगे में हुआ था. इसको आपको बहुत अच्छे से रट लेना है कि एनॉल्स एंड एंटीक्टीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन किया कर्नल जेम्स टॉर्ड ने इसके अलावा आपको पता है कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली ठीक है और मेवाड़ का मेराथन इन्होंने किसे कहा था ये तो हम बहुत अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं नेक्स्ट देखिए है, अबुल फजल। अबुल फजल कहाँ के थे नागौर के और इन्होंने क्या लिखा था फारसी भाषा में लिखी थी अकबरनामा याद आया आपको अबुल फजल नागौर के थे कहाँ के थे वो नागौर के जो कि मुगल दरबार में थे और इन्होंने अकबरनामा लिखा था ठीक है इसको याद रखेंगे इनके जो पिताजी थे वो भी नागौर के ही थे तो उनका नाम था शेख मुबारक और राजपुताना की रियासतों में इन्होंने इतिहास लिखना जो है वो स्टार्ट किया था किसने अबुल फजल नेक्स्ट है कवि राजा श्यामल दास अब इनको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि श्यामल दास जो हैं उनकी उपाधियां थी कविराज केशर ए हिंद महा महोपाध्याय ठीक है ये तो क्या थी इनकी उपाधियां थी और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वीर विनोद ठीक है कौन सी है श्यामल दास की प्रमुख रचना वीर विनोद अगले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ये चुरू से संबंधित हैं ठीक है थीके? अब इनके बारे में क्या है इन्होंने लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखी थी ठीक है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या लिखी थी लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण ये कहाँ के थे बूंदी के इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर ये दोनों हमने बुक में पढ़ी थी ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा आपको दो याद रखनी है वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है सूर्यमल मिश्रण की तो ये हमने कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो हमने देखे तो यहां से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएगा फंस सकता है इसके अलावा आरबीएससी की बुक जो है वो तो आपने बहुत अच्छे से याद भी की है क्वेश्चन आंसर सीरीज को और इसी तरीके से कल के टेस्ट में मिलते हैं थैंक यू